नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। भारत के लोगों का दिल गदगद हो गया जब चंद्रयान 3 आसमान को चीरते हुए अंतरिक्ष की तरफ चांद को मुट्ठी में करने के लिए लॉन्च हो गया। लोगों ने इस पल खुद को गौरवान्वित महसूस किया और अब लोगों को 23 अगस्त का इंतजार है जब भारत इतिहास रचेगा और चांद फतेह कर लेगा। एक तरफ जब भारत ने स्पेस क्षेत्र में शानदार काम किया है तो उसी बीच एक बेहद ही दुखद खबर सुनने को मिली है। खबर मिसाइल से जुड़ी है। दरअसल 14 जुलाई 2023 को जब भारत का चंद्रयान 3 पूरी टेस्टिंग को पार आसमान में हुंकारे भर रहा था तो उसी दिन एक और मिसाइल आसमान में उड़ने की तैयारी में थी, लेकिन उड़ने से पहले ही ब्लास्ट कर गया और भारी नुकसान हो गया। दरअसल टेस्टिंग के दौरान एक रॉकेट इंजन में विस्फोट हो गया। गनीमत यही रही कि इस ब्लास्ट में कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन इस विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। रिपोर्ट के अनुसार परीक्षण शुरू होने के करीब एक मिनट बाद रॉकेट के इंजन में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की तस्वीरें जो वायरल हुई हैं, उसमें परीक्षण केंद्र के बाहर आग की लपटें निकलती देखी गई हैं। इससे पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई है। आपको बता दें, ये ब्लास्ट भारत के मित्र जापान में हुआ है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने बताया कि इस विस्फोट अकिता प्रांत में नेशिरो परीक्षण केंद्र में परीक्षण के दौरान हुआ। गनीमत यही रही कि इस ब्लास्ट में कोई हताहत नहीं हुआ। जापान को हाल फिलहाल में अंतरिक्ष क्षेत्र में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा है। इससे पहले मार्च में भी जापान के अंतरिक्ष एजेंसी को झटका लगा था जब रॉकेट S3 अपनी पहली उड़ान से ही पहले फेल हो गया था। यह एक मीडियम लिफ्ट रॉकेट था जिसकी लॉन्चिंग तो सही हुई, लेकिन सेकंड स्टेज का इंजन स्टार्ट नहीं हो सका और इसकी वजह से रॉकेट दिशा भटकने लगा। ऐसे में रॉकेट को अंतरिक्ष में ही विस्फोट करके उड़ा दिया गया था। माना जाता है जापान की तकनीक की दुनिया भर में चर्चा होती है, बावजूद इसके हादसे हो रहे हैं। वही भारत के पास भले ही जापान जितनी तकनीक नहीं है, लेकिन जज्बा दुनिया में सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि भारत के इसरो ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। इसलिए भारत के वैज्ञानिकों के लिए एक सलाम तो बनता है। कमेंट में आप भारत की सफलता पर जो भी लिखना है आप जरूर लिखें। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।